Genuine students, welcome back to your social science class. So students, today we will study about historian and their sources, यानी कि इतिहासकारों ने कौन कौन से sources पढ़े, उनको पढ़ते वक्त उनको क्या क्या दिक्कतें आईं. फिर हम जानेंगे कौन कौन से new social और political groups बने, उनको बनते वक्त क्या क्या हुआ, उसमें क्या क्या changes आए. So let's start our chapter. That is chapter number 1. We were continuing the chapter number 1. Historians and their sources. Historians use different types of sources to learn about the past depending on the period of their study and the nature of their investigation. As historians अलग-अलग तरीके के sources को पढ़ते थे, उनका investigate करते थे, क्योंकि हर समय में अलग-अलग चीज़ें बनी थी, अलग अलग चीज़ें मिलती थी, उनसे वो स्टडी करते थे. जो 7th century में उनको सोर्स जो भी चीज़ें मिली थी, ज़रूरी नहीं है कि 14th century में उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट या कोई चेंजेस नहीं हुए हैं. चेंजेस हुए हैं तो स्टूडेंट्स उन्होंने अलग अलग सोर्सेज को पढ़ा है. आपने जैसे पढ़ा था कि क्लास 6 में आपने गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धना के बारे में पढ़ा था, तो इस साल आप पढ़ेंगे चेंजेस जो भी पढ़ेंगे वो 1000 years के बीच में पढ़ेंगे. रफली आप जान लीजिए 700 to 1750 के बीच में. यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज बाय द हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड. आप नोटिस करेंगे कुछ कंटिन्यूटी थी हिस्टोरियंस ने जो भी सोर्सेज पढ़े थे, जो एंशियंट इंडिया के की स्टडी करते वक्त उन्होंने सोर्सेज यूज़ किए थे, वो मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते वक्त भी उन्होंने उन सोर्सेज को स्टडी किया था, जैसे कि क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स, इन सब से उन्होंने इंफॉर्मेशन ली थी. बट देयर इज़ ऑल्सो अ कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी. लेकिन इसके बीच में कुछ डिसकंटिन्यूटी भी आई, बिकॉज क्योंकि इस समय नंबर्स एंड वेराइटी ऑफ टेक्सुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड, क्योंकि टेक्सुअल रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गए थे. दिस स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन. तो टेक्सुअल रिकॉर्ड बढ़ने का कारण यह था क्योंकि उस समय जो पेपर था वो चीपर हो गया था और ईजिली अवेलेबल था. लोग उसका पेपर का इस्तेमाल होली टेक्स्ट को लिखने के लिए, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स के लिए होते थे, लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंट्स, पिटिशन, जुडिशियल रिकॉर्ड, रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स, टैक्सेस, इन सब के लिए किए जाते थे. मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती थी उनको कलेक्ट किया जाता था वेल्दी पीपल्स, यानी अमीर लोगों के द्वारा, रूलर्स के द्वारा, टेम्पल्स के द्वारा, और इन सब को रखा जाता था लाइब्रेरीज में या आर्किव्स में. आर्किव्स वो प्लेस हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स या मैन्यूस्क्रिप्ट को स्टोर किया जाता था. दीज मैन्यूस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस, बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़. ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स और जो डॉक्यूमेंट्स आर्किव्स में रखे हुए थे, जो लाइब्रेरीज में रखे हुए थे, वो हिस्टोरियंस को बहुत हेल्प करते थे स्टडी में, लेकिन इनको पढ़ते वक्त भी बहुत डिफ़िकल्टीज होती थी हिस्टोरियंस को. देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस. आपको मालूम है उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो जैसे कि ये पेपर या मैन्यूस्क्रिप्ट आपको मालूम है लीफ्स वगैरह पर लिखे जाते, तो कुछ समय के बाद ये ख़राब होने लगते थे. तो स्क्राइब्स वर देयर हु कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड्स. तो स्क्राइब्स होते थे जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स का जो मटेरियल होता था उसको फिर से कॉपी करते थे, और वो भी हाथ से. इफ़ यू हैव एवर, आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप अपने फ्रेंड की कॉपी से कोई भी काम कॉपी करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है. कई बार आपको वो वर्ड समझ में नहीं आता, आप खुद समझ करके लिख देते हैं. इसी तरीके से स्क्राइब्स के साथ भी होता था. एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस. वो अपने आप हो जाता था, जानबूझ के नहीं करते थे. लेकिन अब मान लीजिए 700 की जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो अगर आज तक, क्योंकि बराबर 750 तक बराबर लिखी जा रही थी क्योंकि तब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तो भले ही 100 साल के बाद उसको कॉपी किया गया, थोड़ा चेंज हुआ, फिर 100 साल के बाद, तो आप जानेंगे 1000 साल में कितना चेंज हो गया होगा. तो जो फर्स्ट कॉपी में लिखा था, यानी जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा था, वो 1000 वाले में नहीं होगा. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता था. हो सकता है पहले वाले में वो खाली वर्ड था और कॉपी होते होते वो एक सेंटेंस हो गया हो,
These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of same text became substantially different from one another. अब ये कॉपिंग के चक्कर में क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं मटेरियल डिफरेंट होता चला जा रहा था. दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे. और एक ये हिस्टोरियन के लिए बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम थी क्योंकि उनको ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट मिलना बहुत मुश्किल था. सो वी हिस्टोरियंस आर टोटली डिपेंडेड अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स. हिस्टोरियन टोटली उसके ऊपर डिपेंड करते थे. एज अ रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या निकलता था, हिस्टोरियंस हैव टू रीड, हिस्टोरियंस को डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स के वर्जन पढ़ने पड़ते थे ऑफ द सेम टेक्स्ट. हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट, यानी सेम टेक्स्ट की डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स उनको पढ़नी पड़ती थी टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन. मान लीजिए मुझे 700 के बारे में जानना है उस समय क्या क्या हुआ, लेकिन जो मुझे मिल रहा है किसी में कुछ और लिखा है किसी, तो उसको जानने के लिए कि क्या ओरिजिनली ऑथर ने लिखा था, तो मुझे ढेर सारे उसके वर्जन्स पढ़ने पड़ते थे. इसी तरीके से 14th सेंचुरी में एक क्रॉनिकल थे, ज़ियाउद्दीन बरानी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356. ज़ियाउद्दीन बरानी ने 1356 में अपना फर्स्ट क्रॉनिकल लिखा और उसके बाद उन्होंने उसे रिवाइज करके दूसरा वर्जन 2 साल बाद लिखा. द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से डिफर थे, बट हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1916. लेकिन हिस्टोरियंस को फर्स्ट वर्जन के बारे में पता ही नहीं था 1960 से पहले. इट रिमेन लॉस्ट इन द लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, क्योंकि वो कहीं एक बड़ी सी लाइब्रेरी के अंदर खोई हुई थी. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर बिटवीन 700 एंड 750 इज़ अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियन, largely because of the scale and the variety of development that occurred over the period. अब ये बहुत बड़ा challenge था historian के लिए कि 700 से लेकर के 1750 तक का जो भी changes आए हैं उसको करना, क्योंकि इस समय पर बहुत ज़्यादा developments हुए थे, changes हुए थे. At different moments in this period, new technologies का हुआ था, सोशल चेंजेस हुए थे, पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, कल्चरल चेंजेस हुए थे. अब न्यू टेक्नोलॉजीज़ क्या आई थी, लाइक मेड द अपीयरेंस ऑफ द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, सिंचाई के लिए पर्शियन व्हील यूज़ किया जा रहा था. कपड़ों के लिए चरखा यानी द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग के लिए स्पिनिंग व्हील यानी चरखे का इस्तेमाल होने लगा था. फायर आर्म्स इन कॉम्पैक्टिंग यानी युद्ध के लिए अग्न्यास्त्रों का इस्तेमाल होता था, यानी कि फायर आर्म्स का एग्जांपल आज की भाषा में मैं दूं जैसे पिस्टल्स हैं, गन्स हैं, यानी कि अग्न्यास्त्रों का यूज़ होने लगा था. कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध. न्यू फूड्स एंड ब्रीवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में न्यू फूड और ब्रीवरेजेस यानी पेय पदार्थ भी आ गए, जैसे कि आलू, मक्का, मिर्ची, चाय, कॉफ़ी. रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलोंग विद पीपल हु ब्रॉट अदर न्यू आइडियाज़ विद देम एज वेल. आप ये बात याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें हमारे देश में जब लोग अपने साथ ले करके आए हैं, क्योंकि हमारे देश में लोगों का आना होता रहता था, इसीलिए लोग अपने साथ नए क्रॉप्स, टेक्नोलॉजीज़, इनोवेशन लेकर के आए थे, नए आइडिया लेकर आए थे. एज अ रिज़ल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, और इसका रिज़ल्ट क्या निकला, ये पीरियड जो था वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस हुए थे यहाँ पर. नाउ यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर नंबर, और फिर अब आप चैप्टर नंबर 5, 6, 7 में इन चेंजेस को और डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. मोबिलिटी का मिलना होता है चलना फिरना या गतिशीलता. सो दिस पीरियड
वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, बहुत ही ज़्यादा गतिशीलता थी. ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, लोगों का ग्रुप जो है बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करता था अपॉर्चुनिटी की तलाश में. द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व द फॉर्च्यून. और जो हमारा सब कॉन्टिनेंट यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो बहुत ही वेल्दी था और लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज थी अपना फ्यूचर को और अच्छा बनाने के लिए. वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत. इस टाइम का जो एक फेमस ग्रुप था वो था राजपूत, यानी कि राजपूत जो डिराइव हुआ था नेम वो था राजपूत से, यानी कि राजा का बेटा. बिटवीन द 8th एंड 14th सेंचुरी द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स. 8th से लेकर 14th सेंचुरी के बीच में इस टर्म का यूज़ किया जाता था कि योद्धाओं का जो ग्रुप होता था उसे, और उनको क्षत्रिय कास्ट का माना जाता था. द टर्म इंक्लूड नॉट जस्ट रूलर एंड चीफ स्टेन बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्च्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. इसमें खाली चीफ स्टेन्स या रूलर्स या सोल्जर्स ही नहीं आते थे, सब कोई आता था जो कोई भी आर्मी में अपना काम करता था, यानी कि हु सर्व्ड इन द आर्मीज, जो आर्मी में काम करता था. दे ऑल वर नोन एज द राजपूत. अ क्रेविकल कोड ऑफ कंडक्ट. अब इस कास्ट की जो सबसे बड़ी खासियत हमारे कवियों ने जो करी है वो है कि ये बहुत ही ज़्यादा दिलेर होते थे, बहादुर होते थे, वफादार होते थे. इनके अंदर ये चीज़ें कूट कूट करके भरी हुई थी, चाहे वो अपने राज्य के प्रति हूँ, अपने देश के प्रति हूँ. तो दे वर द ग्रेट वॉरियर्स, मतलब दिलेर होते थे, वफादार होते थे. तो ये इनके जो विशेष गुण थे, ये इनकी विशेषता थी, ये इनके अंदर ये जो क्वालिटी थी ये बहुत ही ज़्यादा पाई जाती थी. अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल्स सच एज द मराठास, सिख्स, जाट, ओम्स एंड कायस्थ, अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट. राजपूत के अलावा ये भी कुछ कास्ट थी जो कि पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट रखती थी. इन्होंने भी जैसे अपॉर्चुनिटी पाई तो इन्होंने भी उसको अपने भी का ग्रुप को इम्प्रूव किया. दे वर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट. थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड मोर कम्प्लीट इन सम एरियाज देन इन द अदर्स. इस पीरियड में ग्रेजुअली क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट भी, क्योंकि एग्रीकल्चर का वर्क इस समय बढ़ने लगा था, लोग जंगलों को काट करके एग्रीकल्चर लैंड बनाने लगे थे जल्दी जल्दी डेवलप. और चेंजेस इन देयर हैबिटेट, यानी कि जहाँ वो रहते थे उस एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आने लगे. सो द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी कि जंगल में रहने वाले, हैव टू माइग्रेट. माइग्रेट का मतलब होता है कि मतलब आप जहाँ जिस एनवायरनमेंट रहते हो उससे कहीं और जाना, परिवेश चेंज होना आपका. तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स को अब फॉरेस्ट कटने लगे थे तो वहाँ एग्रीकल्चर होने लगा था. दे ऑल्सो स्टार्टेड टू सेटल इन द सिटी ड्वेलर्स, यानी कि वो भी और लोगों के साथ जुड़ने लगे थे. अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स, वो भी किसान बनने लगे थे. दे दीज न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिकेम टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, चीफ स्टेन्स, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स. दे बिकेम अ पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, वो भी वो बड़ी सी लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का हिस्सा हो गए थे. एंड वो रिक्वायर टू पे टैक्सेस एंड अदर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स. एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमंग पीजेंट्स. एज अ रिजल्ट मतलब इसमें एक इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस भी इमर्ज्ड हुआ पीजेंट्स के बीच में, जैसे कि सम पोस्ट मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर किसी के पास बहुत ही प्रोडक्टिव लैंड था. अदर ऑल्सो केप्ट, कुछ लोग गाय रखने लगे, जानवर पालने लगे. एंड सम कम्बाइंड आर्टिफिशियल वर्क विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन, और कुछ आर्टिशनल वर्क करने लगे, जैसे कि पॉट्स बनाना, पेंटिंग करना, कार्विंग करना, इस तरीके काम करने लगे जब उनका सीजन में, जब खेती का समय नहीं होता था. एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड
पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट. अब सोसाइटी जो थी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई थी, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स में बन गई थी, यानी कि जातीज और सब कास्ट एंड बन गए थे. एंड दे आर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन. और उनको रैंकिंग करी गई थी उनके बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन के हिसाब से. ऑक्यूपेशन यानी कि जो वो व्यवसाय करते थे. ये जो रैंक होती थी ये फिक्स्ड नहीं होती थी, ये कभी भी परमानेंट नहीं होती थी, और ये वेरिड करती थी अकॉर्डिंग टू द पावर. और ये हमेशा वेरी करती थी, यानी कि एक दूसरे से कभी ना कभी अलग होती थी अकॉर्डिंग टू द पावर, उस जाति की कितनी पावर है, इन्फ्लुएंस है. रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ द जाति, उस जाति के लोगों ने क्या क्या चीज़ें कंट्रोल की उन सबके ऊपर उनकी पावर का वेरी करती. द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया. एक जाति में हो सकता है कोई एक एरिया में किसी जाति का स्टेटस बहुत हाई हो, लेकिन दूसरी जगह हो सकता है बहुत लो हो. सो जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स. जातीज अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती थी कि अपने मेंबर्स को कंट्रोल और एक बिहेवियर बनाने के लिए. दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड, और इनका जो ये जो रूल्स और रेगुलेशंस होते थे दे वर मेड बाय द जाति पंचायत बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत. और ये उस जाति के कुछ बड़े लोगों के द्वारा बनाए जाते थे जिसे जाति पंचायत के नाम से जाना जाता है. बट जातीज वो ऑल्सो रिक्वायर टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस. लेकिन इन जातीज को अपनी जाति यानी जाति पंचायत के तो रूल्स फॉलो करने थे, इसके अलावा गांव के भी जो रूल्स थे वो भी फॉलो करने थे. सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय अ चीफ स्टेन. टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट. थैंक यू क्लास. अब हम नेक्स्ट क्लास में रीजन एंड एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे.